नमस्ते बच्चों, आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में यह जो तकनीक जिसके बारे में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ, वो तकनीक कैसी तकनीक है और किस प्रकार से छात्रों से संदर्भित सूचनाओं को काउंसिलर तक पहुँचाती है, तो उस पर मैं हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये वीडियो जो है इसका दो पार्ट होगा, एक पार्ट अभी आप देख लें, उसके बाद फिर दूसरा पार्ट मैं भेजूंगा दूसरे वीडियो में, उसमें आप इसको देखेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है क्या है, आइए इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में दो बातें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दो बातें क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है, जिसको हम हिंदी में तीन नामों से जानते हैं, एक है वृत्तांत अभिलेख, वृत्तांत शब्द पर ध्यान दीजिएगा, वृत्तांत अभिलेख। दूसरा है आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख। और तीसरा है उपाख्यानात्मक अभिलेख, उपाख्यानात्मक अभिलेख। तीन नाम से हम हिंदी में जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी में एक ही नाम है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है ये क्या है, आइए इस पर हम लोग चर्चा करें। पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी मीनिंग के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये है क्या एनेक्डोटल रिकॉर्ड की मीनिंग, फिर उसके बाद कुछ डिफिनेशंस की चर्चा करेंगे। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है वो छात्र से संबंधित समय समय पर शिक्षकों के द्वारा देखे जाने वाले अनौपचारिक व्यवहार का अनौपचारिक उपकरण है। अंग्रेजी में समझिए, इनफॉर्मल डिवाइस यूज्ड बाय द टीचर टू रिकॉर्ड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स एज ऑब्जर्व्ड बाय हिम। इसका पहला मीनिंग ये है। दूसरा मीनिंग क्या है? एक ऐसा बच्चा जो क्या कर सकता है अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए और किसका किसका वह विरोध करता है, इन सब चीजों को समझने के लिए हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड का सहारा लेते हैं। व्हाट ए चाइल्ड कैन डू एंड हिज और हर अचीवमेंट्स एज अपोज्ड टू व्हाट ही और शी कैन नॉट डू, ये मीनिंग का दूसरा भाग मैंने आपको बताया। कुछ और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक ही साथ मीनिंग के बारे में चर्चा हो जाएगी। उसके बाद है एक वृत्तांत अभिलेख, एक छात्र का अवलोकित किया जाने वाला पूरा व्यवहार है, या एक वृत्तांत अभिलेख एक छात्र का प्रेक्षित किया हुआ व्यवहार है। मतलब एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट। दूसरा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड छात्र के जीवन में घटित कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों या घटनाओं का एक रिकॉर्ड है जो छात्र के आचरण पर प्रकाश डालता है। देखिए कितना सुंदर लाइन है, जो छात्र के आचरण पर प्रकाश डालता है, उसके कौशल उसकी क्षमताओं के बारे में सोचता है तथा उसके व्यक्तित्व के बारे में एक महत्वपूर्ण खुलासा करता है। मतलब एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स इज ए रिकॉर्ड ऑफ सम सिग्निफिकेंट एपिसोड हैपेंड इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट दैट शेड्स लाइट ऑन द कंडक्ट थिंकिंग स्किल एंड कैपेबिलिटीज, रिवीलिंग सिग्निफिकेंट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट हिज हर पर्सनालिटी। बहुत अच्छी लाइन है ये कि छात्र के जीवन में जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं छात्र को, छात्रों के जीवन में, विद्यालय के वातावरण में, उन सारे घटनाओं को, उन सारे प्रकरणों का एक रिकॉर्ड किया जाता है और उस आधार पर में छात्र के पास जो कौशल है, छात्र की जो योग्यताएं हैं या उसकी क्षमताएं हैं, उसके बारे में बारीकी से अध्ययन किया जाता है और साथ ही साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का, होल पर्सनालिटी का जो है ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ये छोटा सा मीनिंग है। एक मीनिंग और है,
स्कूल के वातावरण में, स्कूल की अवधि में होने वाली घटनाओं या गतिविधियों में छात्रों के द्वारा किया गया प्रदर्शन का संपूर्ण विवरण जो है वो वृत्तांत अभिलेख कहलाता है। इस लाइन को फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। स्कूल की अवधि में यानी स्कूल के टिन्योर में जो भी घटनाएं छात्रों के साथ घटती हैं या कोई भी गतिविधि में जो छात्र कोई भाग लेता है उसमें उसका क्या प्रदर्शन है, उसका कितना परफॉर्मेंस है, कैसा परफॉर्मेंस है, उन सभी चीज़ों का जो विवरण मतलब जो लिखता है आदमी वही एक वृत्तांत अभिलेख है। यानी एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द परफॉर्मेंस और इवेंट और एक्टिविटीज गोइंग ऑन द स्कूल आवर और मेनी बी स्टार्ट्स फ्रॉम। अब ये कहाँ से किन चीज़ों को हम विवरण लिखें या किन चीज़ों का वर्णन हम करें, जैसे हम बहुत सारे एक्टिविटीज स्कूल में कराते हैं, कक्षा कक्ष में कराते हैं, जैसे हम प्रार्थना सभा की बात करें वहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक कि विद्यार्थी बस स्टॉप से चढ़ता है, जिस बस स्टॉप पर चढ़ता है वहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, जहाँ से वो घर से निकलता है वहाँ से शुरू कर सकते हैं, खेल के मैदान से शुरू कर सकते हैं, लेबोरेटरी से शुरू कर सकते हैं, डाइनिंग हॉल से शुरू करते हैं जहाँ विद्यार्थी लंच करता है, कॉमन रूम से शुरू कर सकते हैं, मतलब कहीं से भी किसी भी जगह से और कुछ भी जो छात्र द्वारा किया जा रहा है उन सभी चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसका पूर्ण विवरण बना सकते हैं। यही जो पूर्ण विवरण है यही एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। यदि साधारण भाषा में यदि आप समझें तो साधारण भाषा में इसका मीनिंग एक ही निकलता है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है वह एक ऐसा रिकॉर्ड है, एक ऐसा अभिलेख है जिसके माध्यम से किसी भी छात्र का उसके जीवन में, विद्यालय के जीवन में या अध्ययन काल के दौरान जितने भी प्रकार की घटनाएं उसके साथ घटती हैं, चाहे एक घटना घटे, चाहे दो घटना घटे, चाहे 10 घटना घटे, उन घटनाओं का प्रॉपर वे में ऑब्जर्वेशन जब किसी काउंसलर के द्वारा किया जाता है या किसी टीचर्स के द्वारा किया जाता है और उसका संपूर्ण रिकॉर्ड जब वह लिखता है और लिख करके अपने पास में रखता है, तो ये जो रिकॉर्ड है, ये जो अभिलेख है, उसी अभिलेख को हम निरीक्षण अभिलेख, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख, वृत्तांत अभिलेख या उपाख्यानात्मक अभिलेख या एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स कह सकते हैं। अब हम आते हैं डिफिनीशन के बारे में। डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन में दो तीन डिफिनीशन आपके बीच में रखना चाहता हूँ। एक डिफिनीशन है इनका एक डिफिनीशन है आर एल लुइस का। आर एल लुइस का क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि किसी छात्र के जीवन की महत्वपूर्ण घटना का प्रतिवेदन लेखन ही वृत्तांत अभिलेख है। देखिए एकदम शॉर्ट डिफिनीशन इन्होंने दिया है। किसी भी छात्र के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रतिवेदन लिखना ही वृत्तांत अभिलेख है। एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज ए रिपोर्ट ऑफ ए सिग्निफिकेंट एपिसोड इन द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट। दूसरी परिभाषा हम लेते हैं, जे डे विलार्ड की परिभाषा है, पूरा जॉन डी विलार्ड इसको कहते हैं। वो कहते हैं कि वृत्तांत अभिलेख निरीक्षण की दृष्टि से यानी ऑब्जर्वेशन की दृष्टि से किसी छात्र के लिए महत्वपूर्ण घटना का या किसी छात्र के द्वारा प्रदर्शित महत्वपूर्ण घटना का एक सरल सा या एक आसान सा विवरण है। मतलब एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज ए सिंपल स्टेटमेंट ऑफ एन इंसिडेंट डीम्ड बाय द ऑब्जर्वर टू बी सिग्निफिकेंट विथ रेस्पेक्ट टू ए गिवन पुपिल। ये दो परिभाषाओं के आधार पर में यदि हम ये बताएं कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक ऐसा प्रतिवेदन है, एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें किसी भी विद्यार्थी का उसके जीवन से संबंधित
महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण यदि उल्लेखित किया जाता है किसी ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जर्व करने के बाद, तो वो जो रिकॉर्ड है वही रिकॉर्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाता है। लास्टली एक डिफिनेशन और है, लेकिन ये अननोन है किसने लिखा है, ये ज्ञात नहीं है। वो कहता है कि अवलोकन का एक तथ्यात्मक रिकॉर्ड या अवलोकन के द्वारा तथ्यात्मक रिकॉर्ड जो किसी एक छात्र के व्यवहार में किसी एक महत्वपूर्ण घटना का विवरण किया जाता है, तो उसे हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। ए फैक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज ए सिंगल स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट इंसिडेंट इन द बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट। मतलब किसी भी विद्यार्थी द्वारा किसी भी क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में जो भी घटनाएं उसके साथ घटती हैं, चाहे उसके व्यवहार से संबंधित हो, चाहे उसके पठन पाठन से संबंधित हो, जो भी घटनाएं घटती हैं और उन घटनाओं को तथ्यात्मक, उन घटनाओं को अवलोकन करने के उपरांत यदि किसी के द्वारा यदि कोई रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, तो वो सारे रिकॉर्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाते हैं। ये आप समझ गए होंगे एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में। देखिए, निर्देशन का जो मेन पर्पस है, निर्देशन का जो मेन लक्ष्य है, वो क्या है? वो लक्ष्य है कि जो निर्देशन चाहता है, यानी क्लाइंट्स में स्वावलंबन तथा स्वतंत्रता की योग्यता का विकास करना है, जिससे वह अपने दायित्व का निर्वहन कर सके। निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति से संबंधित मूलभूत आंकड़े, सूचनाओं का संकलन के लिए अनेक प्रकार की तकनीकों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और उन सारे तकनीकों का जो ऑब्जेक्टिव है, उन सारे तकनीकों का जो मेन फोकस्ड है, वो यही है कि विद्यार्थी या क्लाइंट्स या सूचनादाता या उत्तरदाता के बारे में सूचना प्राप्त करना। क्योंकि जब तक आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप किसी प्रकार की सूचना क्लाइंट्स के बारे में कलेक्ट नहीं करेंगे, उत्तरदाता के बारे में कलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप अपने काउंसलिंग प्रोसेस को या आप अपने गाइडेंस प्रोसेस को नहीं शुरू कर सकते, काम ही नहीं हो सकता है। तो इसी सिलसिले में एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स भी एक महत्वपूर्ण उपकरण कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण रिसोर्सेस का काम करता है, जिसके माध्यम से हम छात्रों से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करते हैं। अब यदि हम कुछ और चीज़ों के बारे में उल्लेखित करें, तो कहा गया है कि जो हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड है वह विद्यार्थियों का उसके बारे में एक छोटा सा खाता है। यदि आप इग्नू के स्टडी मटेरियल को देखेंगे, तो वो बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है। उसमें इस बात का वर्णन हमको मिला कि एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है किसी विद्यार्थी से संबंध कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में विवरण किया हुआ एक खाता है, एक अकाउंट है, और वह खाता एक विद्यार्थी के जीवन में सार्थक भाग का अभिलेख होता है। सार्थक भाग का, एक दिए गए शिक्षार्थी के संदर्भ में सार्थक होने के लिए अवलोकनकर्ता यानी ऑब्जर्वर जो है, या काउंसिलर कह सकते हैं, द्वारा जो भी घटना का उल्लेख उसके द्वारा किया जाता है वह उल्लेख एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाता है। जब ऐसी रिपोर्ट या ऐसे रिकॉर्ड कुछ घटनाओं का तत्काल विवरण जब हमें देता है या दर्ज किया जाता है, ताकि उस आधार पर में कुछ सार्थकता हो सके, कुछ काम किया जा सके, इन सभी प्रकार की समग्रता को हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड के दृष्टिकोण से जानते हैं या एनेक्डोटल रिकॉर्ड के रूप में वर्णित करते हैं। ये इग्नू के जो स्टडी मटेरियल है उसमें इस चीज़ का उल्लेख आया है। एक बहुत अच्छा उदाहरण इसमें दिया गया है। कहता है कि एक उपाख्यान मतलब एक वृत्तांत अभिलेख की तुलना किसी विद्यार्थी के व्यवहार की एक घटना के स्नैपशॉट से की जा सकती है। स्नैपशॉट से की जा सकती है जो कुछ विशेष अभिप्राय का सुझाव देता है। ठीक वैसे ही, यहाँ देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ठीक वैसे ही जैसे एक कैमरा एक समय में एक व्यक्ति के भंगिमा को पकड़ लेता है, उसी प्रकार से एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी
एक अवलोकित व्यवहार का ठीक ठीक रिपोर्ट होता है। कैमरा से जब हम किसी का फोटो खींचते हैं तो फोटो जिस प्रकार से उसकी भाव भंगिमा होगी या जिस प्रकार का उसका चेहरा होगा, जिस प्रकार का उसका फेस एक्सप्रेशन होगा, तो वही कैमरे में भी दिखेगा, वही पिक्चर में भी दिखेगा। एज इट इज वही चीज एनेक्डोटल रिकॉर्ड में भी होता है। मतलब यह कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड के माध्यम से काउंसलर छात्रों के द्वारा जिस भी प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है या जिस भी घटना का उसके द्वारा उसके जीवन में घटित हो रहा है, डिट्टो वही चीज जब प्रेक्षणकर्ता द्वारा, काउंसलर द्वारा उसको हूबहू लिखा जाता है, तो वो सब सारी चीजें जो हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाती हैं। अब हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम लोग बात करते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के नीड के बारे में चर्चा करते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का जो हमें नीड है वो हमें क्यों है या इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग नीड के बारे में चर्चा करें। एनेक्डोटल रिकॉर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कहता है कि जब हम किसी प्रत्येक छात्र के जीवन में उसके व्यवहारों व्यवहार और उसके व्यवहार में हुए परिवर्तन का एक गुणात्मक चित्र, क्वालिटेटिव पिक्चर जब हमें ज्ञात करना हो या उस चीज़ को लिखना पड़े, तो ऐसी परिस्थिति में हमको एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का सहारा लेना पड़ता है। मतलब एक छात्र के जीवन में या एक छात्र के लाइफ से रिलेटेड जब किसी प्रकार का कोई व्यवहार उसके द्वारा किया जाता है और उस व्यवहार को क्वालिटेटिव वे में लिखना, गुणात्मकता के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना, जब आप उसको लिखते हैं किसी काउंसलर के द्वारा या किसी टीचर्स के द्वारा, तो ऐसी परिस्थिति में हमें एनेक्डोटल एक ऐसा वर्ड है जिसका सहारा हमें लेना पड़ता है, वृत्तांत अभिलेख का सहारा लेना पड़ता है। पहला नीड ये है। दूसरा ये नीड है कि हम जैसा कि जानते हैं कि बच्चों के सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सौंदर्य या फिर संज्ञानात्मक विकास के प्रगति के लिए यह जो रिकॉर्ड है वो एक मील का पत्थर साबित होता है। चाइल्ड प्रोग्रेस बेस्ड ऑन माइलस्टोन पिक्यूलियर टू दैट चाइल्ड सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल, एस्थेटिक एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब हम जब किसी छात्र की प्रगति चाहते हैं तो उस प्रगति का हम मूल्यांकन कैसे करें, उस प्रगति का ब्यौरा हम कैसे बनाएं, जिसके ऊपर में या जिसके माध्यम से हम छात्रों के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं या बहुत कुछ उन्हें सुझाव दे सकते हैं या उन्हें काउंसलिंग कर सकते हैं, गाइडेंस कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें बृहत तरीके से एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है और उसके लिए हमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड का सहारा लेना पड़ता है। तीसरा नीड क्या है? तीसरा नीड ये है कि हम कक्षा में या कक्षा के बाहर जितने भी प्रकार की गतिविधि करते हैं या जितने भी प्रकार के एक्टिविटीज करते हैं, उन सारे एक्टिविटीज में शिक्षार्थी का हम जब मूल्यांकन करते हैं तो उन मूल्यांकन को हम एक बेस मान करके और उस रिपोर्ट के आधार पर में जब हम छात्र के बारे में कुछ कह सकते हैं या छात्र के बारे में कुछ विचार देते हैं, तो इन सब चीज़ों को करने के लिए या इस प्रकार के रिकॉर्ड को रखने के लिए हमें एनेक्डोटल का सहारा लेना पड़ता है, वृत्तांत अभिलेख का सहारा लेना पड़ता है। चौथा क्या है? एनेक्डोटल एक प्रकार का दस्तावेज है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, एक छात्र का डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, दस्तावेज है। और वह दस्तावेज कैसा दस्तावेज है? जिसके आधार पर में छात्र के विकास के बारे में, छात्र के इम्प्रूवमेंट के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में हम जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे रिकॉर्ड की आवश्यकता कभी कभी पड़ जाती है कि आखिर छात्र कैसा है उसके बारे में हमें विस्तार से समझना है। तो किसी एक व्यक्ति को इस किसी छात्र के बारे में विस्तार से समझने के लिए केवल उससे बात कर लेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन यदि किसी एक टीचर्स के द्वारा या किसी एक काउंसलर के द्वारा विद्यार्थी के जीवन में यदि कोई घटना घट रही है और उसको प्रॉपर वे में वह कहीं लिखा है या कहीं रिकॉर्ड कर रहा है, वो एक दो दिन का नहीं, साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, किसी एक व्यक्ति के बारे में, इंडिविजुअली किसी एक पर्टिकुलर के बारे में, एक छात्र के बारे में यदि वो माइन्यूटली
ऑब्जर्व करते हुए कोई रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, तो हम ऐसी परिस्थिति में उस रिकॉर्ड को देखेंगे और उस आधार पर में हम कोई निर्णय ले सकते हैं। तो इसलिए हमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड का सहारा लेना पड़ता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, इसका नीड हमें क्यों है, क्योंकि इसके माध्यम से कोई भी टीचर, कोई भी काउंसलर मिनट टू मिनट छात्र के बारे में सोचता है, मिनट टू मिनट छात्र का अवलोकन करता है, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो किससे मिल रहा है, वो कब कब किस किस प्रकार का व्यवहार करता है, वो किस प्रकार की घटना में विशेष रुचि लेता है या किस प्रकार का व्यवहार लगातार करता है, उन सारे चीज़ों को, देखिए कितनी बातें आ गई, उन सारे चीज़ों को सूक्ष्म तरीके से जब हम वर्णित करते हैं तो इसके लिए हमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे है कि छात्र के कौशल विकास के लिए, छात्र के व्यक्तिगत दृष्टिकोण को और डेवलप करने के लिए, छात्र के कौशल के स्तर को बढ़ाने के लिए, उसकी रुचि को बढ़ाने के लिए हमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड का सहारा लेना पड़ता है। मतलब इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द चिल्ड्रेन एटीट्यूड, करेंट स्किल लेवल, इंटरेस्ट एंड स्किल टू डेवलप नेक्स्ट। मतलब एक रिकॉर्ड के माध्यम से हम छात्रों के कौशल के स्तर को बढ़ा सकते हैं, या उसके दृष्टिकोण को डेवलप कर सकते हैं, या फिर उसके इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एनेक्डोटल का रिकॉर्ड जो है देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। इसके अलावा एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स किसी छात्र के विशिष्ट व्यवहार या किसी छात्र का दूसरे छात्र के साथ बातचीत, देखिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड में एक ये भी चीज़ देखा जाता है कि एक छात्र यदि किसी क्लास में है तो अपने क्लासमेट्स का कैसा व्यवहार कर रहा है, या अपने मित्र के साथ कैसा व्यवहार करता है, या अननोन पर्सन के साथ कैसा वो व्यवहार करता है, उन सारे चीज़ों को उल्लेखित किया जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। इसके अलावा यहाँ तक कहा गया है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में, यदि कोई छात्र लड़ाई भी करता है, झगड़ा भी करता है, तो उस चीज़ का भी वर्णन करना है। इसके अलावा यदि वह किसी समूह में या ग्रुप में, पीयर ग्रुप में किसी प्रकार का पार्टिसिपेशन दिखाता है या पार्टिसिपेट करता है, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसकी सहभागिता का परसेंटेज कितना है, उन सब सारे चीज़ों को देखा जाता है। यहाँ तक कहा गया है कि छात्र यदि रो रहा है तो रोता कैसे है, उसके रोने का जो भाव भंगिमा है, उन सब चीज़ों को भी ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा छात्रों में किसी भी प्रकार के कार्य को करने का जो एक लगन है, उन सारे लगनों को देखा जाता है। लगन ही नहीं, यदि कोई छात्र विफल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो उसके ऊपर उसके मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, या उसके अंदर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उन सब चीज़ों के बारे में भी लिखा जाता है। यदि कोई छात्र खेल में भाग ले रहा है या अन्य प्रकार के एक्टिविटीज़ में भाग ले रहा है, तो उसके सारे एक्टिविटीज़ के आधार पे उसकी सकारात्मकता और उसकी नकारात्मकता, उन दोनों चीज़ों का उल्लेख किया जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में। तो हमें देखिए कितना बड़ा दायरा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का, जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को ज्ञात कर सकते हैं। याद रखिए रिकॉर्ड बहुत सारे होते हैं, और रिकॉर्ड का मीनिंग ही है कि ऐसा अभिलेख, ऐसा कोई सूचना का कोई ऐसा भाग, या कोई एक ऐसा खजाना जहां हमें किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो जाए। मैं एक उदाहरण दे दूं आपको, यदि मैं एक सीसीए का इंचार्ज हूं और सीसीए से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं या उससे संबंधित जो भी रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं, तो उसके लिए हमने एक रजिस्टर बनाया हुआ है। कभी भी आकर के आप रजिस्टर देख सकते हैं, और देखने के उपरांत आप बता सकते हैं कि इस कॉलेज में कौन कौन सी सीसी एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, या क्या क्या हुए हैं, या किस प्रकार से हुए हैं, क्या क्या परिणाम रहे हैं, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या क्या किया जाता है, इन सारे चीज़ों के बारे में विस्तार से आपको वर्णन मिल जाएगा। किसी से कोई पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी किसी पर्टिकुलर एक विद्यार्थी का एक ऐसा अभिलेख होता है, एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसके बारे में हम विस्तार से उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के बारे में हम लोगों ने जाना, उसकी मीनिंग को जाना, उसके डिफिनीशंस को जाना और उसके नीड के बारे में जाना। आइए हम लोग एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के जो एडवांटेज हैं उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। एक बच्चे का मिनट टू मिनट अवलोकन किया जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का जो एडवांटेज है कि किसी एक बच्चे का, जैसे हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो यदि मान लो एक घंटे का कोई प्रोग्राम है तो हम लोग मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनाते हैं ना कि इतने बजे शुरू होगा, इसके बाद ये प्रोग्राम होगा, इसके बाद ये प्रोग्राम होगा, इसके बाद ये प्रोग्राम होगा, और मिनट टू मिनट का शेड्यूल तैयार करते हैं, उसी आधार पर सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी मिनट टू मिनट जो है अवलोकन किया जाने वाला रिकॉर्ड है। मतलब एक विद्यार्थी मिनट टू मिनट क्या करता है, उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है इसके माध्यम से। दूसरा है ऑब्जर्वेशन ऑफ ए चाइल्ड एनी वेयर एनी टाइम इन स्कूल आवर। स्कूल के समय में कहीं भी किसी भी छात्र का हम अवलोकन कर सकते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड की सहायता से उसकी एक विशेषता यह है, या उसके एक लाभ कह सकते हैं, कि हम विद्यालय के पीरियड में या विद्यालय की अवधि में किसी भी छात्र का किसी भी समय हम अवलोकन कर सकते हैं। तीसरा, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड्स बिहेवियर इन डाइवर्स सिचुएशन। छात्र विविध परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है और उस व्यवहार को समझने में हमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का सहारा लेना पड़ता है, या एनेक्डोटल रिकॉर्ड हमें मददगार साबित होता है किसी भी परिस्थिति में। विद्यालय में अनेक प्रकार की परिस्थितियां होती हैं और सभी परिस्थितियों में छात्र के व्यवहार को समझने के लिए यदि किसी टीचर्स के द्वारा या काउंसलर के द्वारा कोई रिकॉर्ड बनाया गया है तो वह रिकॉर्ड मददगार साबित होता है उस छात्र को समझने के लिए। और एडवांटेज देखिए है कि वैल्यूबल व्हेन फॉरवर्डिंग ए पीपुल्स रिकॉर्ड व्हेन ही ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर। जब एक शिष्य का, जब एक कोई छात्र बहुमूल्य रिकॉर्ड को अग्रेषित करता है, यानी उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, खास तौर पर जब वह एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरित हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उस छात्र के बारे में संपूर्ण जानकारी हम यदि प्राप्त कर सकते हैं तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, उसके माध्यम से हम प्राप्त होता है ना। जब छात्र बीच में कोई स्कूल छोड़ रहा है और दूसरा स्कूल वो ज्वाइन करने वाला है या जो दूसरे स्कूल में अपना एडमिशन लेने वाला है, हमें नहीं पता, स्कूल के टीचर्स को नहीं पता उस छात्र का पर्सनैलिटी क्या है, उस छात्र का एक्टिविटीज़ क्या है, वो छात्र कैसा सोचता है, किस प्रकार की बातें करता है, किस प्रकार की उसमें रुचि है, इन सारे चीज़ों के बारे में यदि हमें समझना हो और वाकई में यदि कई एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बनाया गया है उसके बारे में तो निश्चित रूप से हमें वो काफ़ी सहायता प्रदान करेगा छात्र को जल्दी समझने में। कोई भी शिक्षक, कोई भी स्कूल अपने नए छात्रों को जल्दी समझने की कोशिश करता है ताकि जल्द से जल्द हम इसके साथ एडजस्ट हो सकें, इसके साथ समायोजित हो सकें, और वह भी छात्र जल्द से जल्द इस विद्यालय में समायोजित हो जाए या इस विद्यालय के साथ वो एडजस्टमेंट कर ले, ताकि उसे भी दिक्कत ना हो, हमें भी दिक्कत ना हो, पैरेलल हम एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करें कि हम उस पर में काम करके छात्रों को सहायता दें। तो इसके लिए यदि कोई एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाया हुआ होगा तब तो इसीलिए। अब है एक एडवांटेज एनेक्डोट्स, मतलब एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को जो हम लिखते हैं तो उसको एनेक्डोट्स बोलते हैं। एनेक्डोट्स आर यूज्ड इन पेरेंट एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंसेज एंड आर ऑफ ग्रेट वैल्यू इन डिस्कसिंग ए चाइल्ड्स बिहेवियर विद स्कूल साइकोलॉजिस्ट्स। यानी वृत्तांत अभिलेख का उपयोग माता पिता और स्कूल के कर्मचारियों या स्कूल के पदाधिकारियों का के द्वारा यदि हम किसी प्रकार का कोई बातचीत करते हैं बच्चों से संदर्भित, तो वह एक संवाद का भी माध्यम हो सकता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। हर माता पिता, हर कर्मचारी या विद्यालय का कोई भी पदाधिकारी चाहता है कि आपके बच्चे में, ये स्कूल का कोई बच्चा है या पेरेंट्स का कोई बच्चा है, तो कोई भी पेरेंट्स अपना चाहेगा कि हमारे विद्यार्थी में किस प्रकार की योग्यता है, हमारे विद्यार्थी में किस प्रकार का पोटेंशियल है, या हमारे विद्यार्थी का व्यवहार कैसा है। हर माता पिता जानना चाहता है, स्कूल के शिक्षकों के द्वारा
या स्कूल के शिक्षक जो वहाँ काम कर रहे हैं वो समझना चाहते हैं कि इसमें क्या किस प्रकार का व्यवहार है या किस प्रकार की योग्यता है छात्रों के अंदर, किस प्रकार का स्किल है छात्रों के अंदर। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक संवाद का भी माध्यम एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो सकता है। साथ ही साथ उस आधार पर में यदि किसी प्रकार की डिफिशियंसी छात्रों के अंदर है तो वह स्कूल के मनोवैज्ञानिक की सहायता से, स्कूल में आजकल साइकोलॉजिस्ट भी बहाल होने लगे हैं, तो मनोवैज्ञानिकों की सहायता से हम छात्रों के व्यवहार में सुधार के लिए उस पर बृहत चर्चा कर सकते हैं। तो ये सब संभव है एनेक्डोटल रिकॉर्ड के माध्यम से। और लास्टली जो है एडवांटेज वो ये है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो है हेल्प टू डायग्नोस प्रॉब्लम, मतलब समस्या का निदान करने में एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो है वो सहायता देता है। वृत्तांत अभिलेख हमें काफ़ी सहायता मदद देता है। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे एडवांटेज क्या है, सब्जेक्टिविटी इसमें ज़्यादा होती है, मतलब आत्मनिष्ठता का गुण ज़्यादा होता है। अब ये आत्मनिष्ठता क्या है, क्योंकि शिक्षक या काउंसिलर खुद इसको अवलोकित करता है तो इसीलिए आत्मनिष्ठता का भाव आ जाता है। अतः तथ्यों की वस्तुनिष्ठता पर प्रश्न चिन्ह लगता है, तथ्यों की वस्तुनिष्ठता पर जो है प्रश्न चिन्ह लगने लगता है। आप सभी जानते हैं ना कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो है वो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा या किसी काउंसलर या किसी टीचर्स के द्वारा किया जाएगा, तो हो सकता है कोई व्यक्ति के अंदर का गुण भी उसके साथ मेल खा जाए और ऐसी परिस्थिति में आत्मनिष्ठा जो है आ ही जाती है, थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी आ ही जाती है। दूसरा चीज है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब गुणवत्ता की थोड़ी सी कमी है। गुणवत्ता की थोड़ी सी कमी इसलिए है क्योंकि इसके आधार पर में बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया तो जाता जरूर है, लेकिन कभी कभी जो चीज़ नहीं देखे जाते हैं उन सब चीज़ों का भी वर्णन किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि वह उसकी जो गुणवत्ता है वह अपनी गुणवत्ता को खो देता है। तो इन सब चीज़ों का देखा गया है। दूसरी चीज़ ये है डिफिकल्टी इन स्कोरिंग, स्कोरिंग जो है यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के माध्यम से हम स्कोरिंग नहीं कर सकते या किसी प्रकार का अंकन नहीं कर सकते, टाइम कंज्यूम होता है, मतलब समय जो है बर्बाद होता है, समय ज़्यादा लगता है इसमें, इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने में समय काफ़ी लगता है, स्वाभाविक है। मिनट टू मिनट बच्चों को ऑब्जर्व करना है और उसमें काफ़ी समय लगना स्वाभाविक है। और लिमिटेड एप्लीकेशन, यदि हम बहुत सारे ग्रुप में या बहुत सारे छात्रों का एक साथ एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाएं या वृत्तांत अभिलेख तैयार करें तो ये संभव नहीं है। इसके लिए लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही देखा जाएगा, जो जिस वैसा स्टूडेंट जिसमें अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, समस्याएं कई प्रकार से हो सकती हैं, तो जिस विद्यार्थी में ज़्यादा समस्या है उस विद्यार्थी को फाइंड करके, उस विद्यार्थी की फाइंडिंग्स करके यानी उस विद्यार्थी को शॉर्ट आउट करके उसी विद्यार्थियों पर में इस पर काम किया जा सकता है। तो लिमिटेड एप्लीकेशंस जो है वो ये है। तो डिसएडवांटेज के बारे में मैंने आपको ये बताया। अब अगले वीडियो में मैं इसके बारे में और भी विस्तार से चर्चा करूँगा। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को जरूर देखेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच।